हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर कुकीज। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस रेसिपी को आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बटर कुकीज बनाने की सामग्री है 1.5 कप मैदा, 1 कप बटर, 1 कप पीसी हुई चीनी, 1 पिंच नमक। बड़े बाउल में हम बटर डालेंगे। अब हम छन्नी रखेंगे और छन्नी के अंदर हम पीसी हुई चीनी डालकर छानेंगे। चीनी को छानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने छान लिया है और इसे हम हटा देंगे। अब हम दोनों को अच्छे से फेटेंगे 5 से 7 मिनट तक। देखिए, इसी तरह से हम फेटेंगे। देखिए, हमने बटर और चीनी को बहुत ही अच्छे से फेट लिया है, पूरी तरह से क्रीमी हो गया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। मैदे को भी हम छानेंगे। 1 पिंच नमक डालेंगे। मैदे को भी हमने छान लिया है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम हाथों से मिलाएंगे। डो तैयार करेंगे। डो हमारा तैयार है कुकीज बनाने के लिए। इस तरह का हम ट्रे लेंगे और अब हम छोटी छोटी कुकीज बनाएंगे। देखिए, हम इस तरह से छोटे छोटे कुकीज बनाएंगे। बनाने के बाद हम कांटे वाला चम्मच लेंगे और इस पर हम इस तरह से दबाकर डिजाइन बना देंगे। ट्रे में रखेंगे। इसी तरह से हम सारे बिस्किट बनाकर तैयार करेंगे। कुकर को हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया है। कुकर में हमने नमक डाला हुआ है, रिंग है। नमक को हमने कई बार इस्तेमाल किया है इसलिए नमक ब्राउन दिखाई दे रहा है। अब हम कुकीज़ वाला ट्रे बीच में रख देंगे। संभाल कर रखना है, बहुत गर्म है कुकर। ढक्कन को सीटी नहीं लगाना है। आंच को मीडियम रखेंगे और 18 से 20 मिनट तक बेक करेंगे। पूरे 20 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। ये कुकीज हमारी बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे कुकीज को बेक करेंगे। बटर कुकीज बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसी तरह से आप भी बनाइए, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आपको भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।